हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज इजी लर्निंग। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्प करता है देन प्लीज लाइक माय वीडियो। और हाँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे आपको मेरे चैनल के वीडियो सबसे पहले मिलेंगे। और उसके साथ आपको एक छोटा सा काम करना है, सब्सक्राइब के बटन के बगल में बेल का आइकन दिख रहा है, उस बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो बस इतना सा काम करना है आपको। चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए UPPCL एग्जाम और CCC कोर्स के कंप्यूटर क्वेश्चंस का पार्ट 12 लाई हूँ। इसके पहले मैंने आपको 11 पार्ट्स कराए हैं, जिसमें CCC कोर्स का सिलेबस मैंने टॉपिक वाइज कवर किया है। इस वीडियो के आने में मैंने काफ़ी लेट किया है, इसके पहले काफ़ी टाइम से अप्रॉक्स 1 मंथ से मेरे वीडियोज़ नहीं आ रहे हैं किसी रीज़न की वजह से, बट इसके बाद मेरे सारे वीडियोस आपको लाइन बाय लाइन मिलेंगे। और इस CCC कोर्स के भी मैं सारे टॉपिक इसके बाद के लाइन से कवर करूँगी। इसके पहले मैंने जो भी टॉपिक किए हैं वो एक सीरीज़ में किए हैं, और उसी सीरीज़ में नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ये जो है आपका इंटरनेट, ठीक है ना। तो इंटरनेट के क्वेश्चन जितने भी CCC एग्ज़ाम में आते हैं वो मैंने इसमें कवर किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, उस विश्व स्तरीय व्यवस्था को क्या कहते हैं जो विश्व में फैले कंप्यूटरों को मॉडर्न के द्वारा आपस में जोड़ने का काम करती है। तो इस व्यवस्था को आप इंटरनेट के नाम से जानते हैं, और आप सभी इसके बारे में परिचित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISP किसका संक्षिप्त रूप है। तो ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये सारे टर्म्स आपने इंटरनेट की जितने भी यूज़ होता है उसमें आपने ये सारे टर्म्स सुने होंगे, ठीक है। ISP का क्या काम होता है? तो ISP का काम होता है उपयोगता को इंटरनेट लिंक प्रदान करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोकॉल आपने सुना होगा, प्रोटोकॉल क्या है। प्रोटोकॉल एक संचार प्रोटोकॉल नियमों की एक प्रणाली है। ये नियमों की एक प्रणाली होती है जो संचार प्रणाली की दो या दो से अधिक डिवाइस के बीच में कनेक्शन बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो कम्युनिकेशन जो होता है उसमें दो या दो से अधिक डिवाइसेस होती हैं, उनके बीच में कनेक्शन बनाने के लिए एक जो नियमों का एक स्कीम होती है, एक प्रोटोकॉल, उसी को बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें कुछ रूल डिफाइन किए जाते हैं, कुछ नियम बताए जाते हैं कि इसी नियमों से ही आपका कनेक्शन होगा। उस नियमों को ही आप प्रोटोकॉल बोलते हैं जिससे कनेक्शन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोकॉल का मानकीकरण कौन करता है। तो प्रोटोकॉल का मानकीकरण करते हैं इंटरनेट इंजीनियर्स टास्क फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TCP का पूर्ण रूप क्या है। TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, TCP दूसरी मशीन को डेटा के बड़े ब्लॉक को भेजने के लिए क्या करता है, ठीक है। TCP जो आपने इसके पहले पढ़ा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये डेटा के बड़े ब्लॉक को, ठीक है ना, कोई बड़ा ब्लॉक है का डेटा भेजना है तो उसको भेजने के लिए क्या करता क्या है। तो इसमें आंसर दिया हुआ है कि डेटा ब्लॉक को पहले वो छोटे छोटे डेटा पैकेट में बांट देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, बड़े ब्लॉक के डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में बांट देता है। तो ये आपका TCP के बारे में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, IP का पूर्ण रूप क्या है। आपने IP भी सुना होगा। तो IP का पूर्ण रूप क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का काम क्या होता है, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल का काम होता है डेटा पैकेट पर मंजिल की पता संबंधी सूचना लगाना। मतलब क्या है कि डेटा पैकेट को जहाँ भी भेजना है, ठीक है ना, इंटरनेट में आप करते क्या हो, डेटा को सेंड करते हो एक तरफ से दूसरी तरफ, तो जहाँ पर भी भेजना है उस मंजिल में, वो जहाँ भी डेस्टिनेशन है उसकी पता संबंधी सूचना उस डेटा के साथ अटैच करना कि कहाँ पर इस डेटा को भेजना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटरनेट एड्रेस क्या है। तो इंटरनेट एड्रेस एक कंप्यूटर से जुड़े, कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक डिवाइस को आवंटित एक संख्यात्मक लेबल है जो संचार के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, ठीक है। तो इसमें तो आपको बिल्कुल मैंने डेफिनेशन ही बताया, और बता देती हूँ कि जो इंटरनेट एड्रेस होता है वो कंप्यूटर नेटवर्क संख्यात्मक लेबल, संख्या प्रदान की जाती है हर डिवाइस को, ठीक है ना। तो जो वो एक संख्या प्रदान की जाती है डिवाइस को वही बोलते हैं इंटरनेट एड्रेस। और ये किस लिए होता है, संचार के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल का ये उपयोग करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटरनेट एड्रेस को और किस नाम से आप पुकारते हो, किस नाम से जाना जाता है।
तो इंटरनेट एड्रेस को और क्या बुलाते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट एड्रेस किस प्रकार प्राप्त करते हैं? ठीक है, तो इसके लिए आपको दो नाम है, दोनों एक ही के लिए यूज किए जाते हैं, बैकबोन सर्विस प्रोवाइडर या फिर टेलीफोन कंपनी के द्वारा आप इंटरनेट एड्रेस प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्वर आपने सुना प्रोग्राम या एक उपकरण है जो अन्य प्रोग्राम या उपकरणों के लिए कार्य क्षमता प्रदान करता है जिसे क्लाइंट कहते हैं। मतलब कि जितने भी कंप्यूटर होते हैं अगर एक कनेक्शन में जुड़े हुए हैं तो उनमें से एक कंप्यूटर आपका सर्वर का काम करता है, या फिर आप बोल सकते हैं एक प्रोग्राम भी कभी सर्वर का काम करता है जो सारे जितने भी बाकी के हैं कंप्यूटर्स या प्रोग्राम उनको कंट्रोल करता है। ठीक है ना, तो बाकी वालों को जो होते हैं क्लाइंट बोलते हैं और जो उनको कार्य क्षमता प्रदान करता है उसको सर्वर बोलते हैं। सर्वर से अगर एक डिवाइस को कनेक्ट कर दिया गया, फॉर एग्जांपल आपको प्रिंट करना है तो आपने प्रिंटर जो है वो सर्वर से कनेक्ट कर दिया, या कोई भी डिवाइस अटैच करनी है सर्वर से कर दिया, और बाकी सारे कंप्यूटर में आप कोई भी कमांड दोगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा सर्वर। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डाकघर की तरह काम करने वाले उस उपकरण को क्या कहते हैं जो डेटा पैकेट को गंतव्य का पता बताता है? ठीक है ना, कि कहाँ जाना है डेटा पैकेट को वो पता कौन बताता है, को बोलते हैं या रूटर बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर मौजूद विभिन्न सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति कौन देता है? तो कौन कौन सी सुविधाएं हैं उनको उपयोग करने की अनुमति कहाँ से मिलती है? आपको गेटवे का यूज किया जाता है इसके लिए, गेटवे से ही इसकी परमिशन मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोगिता को मिला अनुमति प्राप्त क्षेत्र क्या कहलाता है? क्या बोलते हैं उपयोगिता को मिला अनुमति प्राप्त क्षेत्र को? लॉगिन या अकाउंट। जब भी आप किसी उसमें लॉगिन करते हो तभी आपको उस एरिया में एंटर करने की परमिशन मिलती है कि हाँ आप उस चीज़ उसके फैसिलिटीज को तब यूज़ कर सकते हो जब आप लॉगिन कर लेते हो या आपका अकाउंट बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर मॉडेम एक दूसरे से विद्युत स्पंदन के जरिए संवाद स्थापित करते हैं, इन विद्युत स्पंदनों को क्या कहते हैं? ठीक है, तो जो मॉडेम होते हैं वो एक दूसरे से कैरियर सिग्नल्स के जरिए आपस में कम्युनिकेशन बनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल डेटा को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल डेटा में बदलने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो उसको मॉडेम बोलते हैं, जिससे डिजिटल डेटा एनालॉग में और एनालॉग डिजिटल में बदलता है। नेक्स्ट टर्म आपने सुना होगा डीएनएस, और अगर नहीं भी सुना है तो ये टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं जो पूछे जाते हैं। डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजर नेम क्या होता है? तो लॉगिन के लिए इंटरनेट का जो अकाउंट धारी है उसको एक नाम मिलता है, उसको बोलते हैं यूजर नेम। अगर आपको यूज करना है अकाउंट तो आपको अकाउंट बनाते टाइम एक नेम दिया जाता है, उस नेम को बोला जाता है यूजर नेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डोमेन नेम में व्यावसायिक संगठनों के लिए किस संकेत का प्रयोग होता है? डोमेन नेम जो होता है उसमें व्यावसायिक संगठनों के लिए आप किस संकेत का प्रयोग करते हैं? डॉट कॉम यूज किया जाता है। ठीक है, वेबसाइट्स के आगे आपने देखा होगा डॉट कॉम, तो वो सारे व्यावसायिक संगठनों को इंडिकेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डोमेन के नामकरण में नेटवर्क संगठनों के लिए कौन सा संकेत प्रयुक्त किया जाता है? तो नेटवर्क संगठनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है डॉट नेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमेन के नामकरण में सरकारी संस्थाओं के लिए किस संकेत का प्रयोग किया जाता है? सरकारी संस्थाओं के लिए प्रयोग करते हैं डॉट जीओवी। ठीक है ना, वो गवर्नमेंट को इंडिकेट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमेन नामकरण में शैक्षणिक संस्थाओं के लिए किस संकेत का प्रयोग करते हैं? शैक्षणिक संस्थाओं के लिए प्रयोग करते हैं डॉट edu का। नेक्स्ट है, डोमेन के नामकरण में अवर्गीकृत फौजी नेटवर्क के लिए कौन सा संकेत प्रयोग होता है? तो उसका नाम है डॉट mil, जो अवर्गीकृत फौजी नेटवर्क के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमेन के नामकरण में वैसी संस्थाओं के लिए किस संकेत का प्रयोग करते हैं जो ना ही व्यावसायिक संगठन है और ना ही शैक्षणिक संस्थाओं की श्रेणी में आते हैं? तो उनके लिए आप डॉट org का प्रयोग करते हो, जो ना तो व्यावसायिक संगठन है और ना ही कोई शैक्षणिक संस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमेन नामकरण के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका का संकेत क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का संकेत है डॉट us। फिर वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमेन नामकरण के अंतर्गत चीन का संकेत क्या है? तो चीन का संकेत है डॉट cn। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, IP एड्रेस डॉट द्वारा अलग किए गए अंकों के कितने सेट से निर्मित होता है?
तो आईपी एड्रेस जो होता है वो डॉट द्वारा अलग किए गए चार सेटों से बन के मिलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट द्वारा अलग किए गए अंकों के हिस्से क्या कहलाते हैं। तो जो आईपी एड्रेस में डॉट के बीच में जो ये आपके सेट बने होते हैं चार अंकों के, उनको हम बोलते हैं, हर एक सेट को बोलते हैं ऑक्टेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट एड्रेस किस रूप में संयोजित होते हैं। तो इंटरनेट एड्रेस आपका बाएं से दाएं में संयोजित किया जाता है, मतलब बाएं से दाएं ही आप उसको पढ़ोगे, वहीं से उसका मीनिंग डिफाइन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑक्टेट में कितना बिट फॉर्मेशन होता है। तो ऑक्टेट से आपको समझ में ही आ रहा है कि ये 8 बिट का है, तो एक ऑक्टेट में 8 बिट का फॉर्मेशन होता है, 8 बिट से मिलके बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट एड्रेस कौन प्रदान करता है। तो इसका आंसर होगा, इंटरनेट एड्रेस इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड प्रदान करता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरनेट के, और इसके अलावा और भी मैं इंटरनेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। ऐसे ही आप वीडियोस देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।